22 सप्टेंबर रोजी लोकाधिकार परिषदच्या वतीने मैत्रेय उद्योग समूहातील गुंतवणूक व प्रतिनिधींच्या न्यायासाठी आंदोलन करण्यात आले. मैत्रेय उद्योग समूहाने 2500 कोटींचा घोटाळा केलाय, त्या विरोधात हे आंदोलन करण्यात आले होते. मैत्रेय उद्योग कंपनी भारत देशात 14 राज्यात होती, ज्यांचे 125 कार्यालय होते. मैत्रेय उद्योग समूहाने 125 कार्यालय उघडून इन्व्हेस्टर आणि एजंट्सच्या माध्यमातून 11,000 कोटी रुपये जमा केले. यातले 2500 कोटी रुपये इन्व्हेस्टर आणि एजंट्सच्या खात्यात जमा झाले. तसेच हा समूह 2016 बंद करण्यात आला होता. या गोष्टीला आता 6 वर्ष होत आली आहेत. ज्या लोकांनी या समूहात इन्व्हेस्टमेंट केली होती ते लोक 6 वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या आणि मालकीच्या पैशांसाठी दारोदारी फिरत आहेत. या ग्रुपची चेअरमॅन महिला असल्याकारणाने महिला वर्ग प्रभावित झालाय. 2,16,00,000 महिलांची या ग्रुपने फसवणूक केली आहे. मैत्रेय उद्योग कंपनी भारत देश में 14 राज्यों में थी, उनके 125 कार्यालय थे और 125 कार्यालय खोलकर मैत्रेय उद्योग कंपनी ने इन्वेस्टर और एजेंट के माध्यम से अपने पास 11,000 करोड़ रुपया जमा किया. उसमें 2,500 करोड़ रुपया जो था ये इन्वेस्टर और एजेंटों का पैसा था. हाँ, और 2016 में ये कंपनी बंद हुई. आज 6 साल हो गए. जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, जिन एजेंटों ने लोगों के पास से पैसा लाया, वो 6 साल से अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं. और आज उन लोगों की हालत ये है कि किसी भी सार्वजनिक काम में ये लोग नहीं जा सकते. खास करके चेयरमैन ये लेडीज होने के नाते, महिला होने के नाते महिला ही इसमें प्रभावित हुई. और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील के मुताबिक 2,16,00,000 महिलाओं को इस ग्रुप ने फंसाया है. ढाई हजार करोड़ का घोटाला है, लाख का नहीं, 2,500 करोड़. हाँ, क्या आपका? हम लोगों ने महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करके रिक्वेस्ट की है कि आपने ये जो विषय है इस विषय की CBI जांच के लिए केंद्र सरकार को भेजना चाहिए. हाँ, दूसरी बात, ये अलग अलग राज्य में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग कोर्ट में कोर्ट केसेस शुरू है. तो इतने कोर्टों में केसेस होने की वजह से किसी को भी न्याय नहीं मिल सकता. इसलिए इसका क्लबिंग होना चाहिए, सेंट्रलाइज करना चाहिए, सारी केसेस एक जगह पर लाना चाहिए और ये एक ही कोर्ट होना चाहिए, जो फास्ट ट्रैक तर्ज पर कोर्ट होना चाहिए. और पार्लियामेंट ने जो 2019 में कायदा पारित किया है बस ट्रैक, तो ये इस एक्ट के तहत इसका न्याय होना चाहिए. ये अगर इस एक्ट के मुताबिक अगर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने कार्रवाई की तो इस एक्ट ने, इस कानून ने ये बताया है कि 380 दिन के अंदर सबका पैसा वापस मिलना चाहिए. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.